को उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफसाना बिट्टू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम बनाने वाले हैं काजू की बर्फी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो जो काजू की बर्फी हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो काजू की बर्फी बाज़ार में काफ़ी महंगी पड़ती है, अगर आप एक बार घर पर बना लेंगे तो काफ़ी सस्ती पड़ेगी। तो आप काजू की बर्फी घर पर ज़रूर बनाइए। तो आइए हम काजू की बर्फी कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो ये लिए हमने 4 टुकड़े काजू और इनका वजन 750 ग्राम है और ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनका पाउडर बनाएंगे। तो ये पाउडर हमने बना लिया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने काजू का पाउडर बना लिया है। अब इसको हम सबसे पहले छान लेंगे। तो यहाँ पे लिए हमने एक छलनी और इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हम सारे काजू के पाउडर को छान लेते हैं, जिसमें इसके कोई लम्स ना रहे। और इस तरीके से करने से काजू कतली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। इधर हमने काजू के पाउडर को छान लिया है और इधर रख दिया हमने गैस पर एक कढ़ाई और इसमें डाला हमने 1.5 कप पानी, यानी 350 ग्राम हमने पानी लिया है। और यहाँ लिए 750 ग्राम चीनी, जितने हमारे काजू है उतनी हमने चीनी ली है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए चीनी घुलने तक पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी हमारी घुल चुकी है। अब इसको हम एक तार की चाशनी तैयार होने तक पकाएंगे। आप इस तरीके से हाथों से एक तार की चाशनी को चेक कर सकते हैं। चीनी घुलने तक गैस हमने हाई फ्लेम पर रखी थी, अब हमने कर दिया लो फ्लेम पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक तार की चाशनी हमारी बन चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी हमारी घुल चुकी है। अब इसको हम एक तार की चाशनी तैयार होने तक पकाएंगे। आप इस तरीके से हाथों से एक तार की चाशनी को चेक कर सकते हैं। चीनी घुलने तक गैस हमने हाई फ्लेम पर रखी थी, अब हमने कर दिया लो फ्लेम पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक तार की चाशनी हमारी बन चुकी है और अब डालेंगे इसमें काजू पाउडर जो हमने तैयार करके रखा था। सारे काजू पाउडर को डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब डालेंगे इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और गैस हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। तो 2 मिनट बाद इसको हम फिर से चेक करेंगे और इसको हम लगातार चलाते ही रहेंगे और इधर जब तक वो ठंडा हो रहा है। तो इसको लेने के बाद इस तरीके से हम लड्डू बना के देखेंगे। अगर ये लड्डू सा बन जाए तो समझ लेना ये बैटर हमारा तैयार है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, गैस हमने बंद कर दी है और इसको हम फिर भी लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब इसको हम एक परात में निकाल लेंगे क्योंकि इस सिक्का हमें एक डो बनाना है। तो अब इसको हम इस तरीके से चलाते हुए और ठंडा करेंगे जितना कि ये छूने लायक ना हो जाए। फिर इसका हाथों से आटे की तरह मसल मसल के इसका डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने डो की तरह बना लिया है। तो अब इसको हमने एक पन्नी पर रख लिया और इसको अब हम बेल लेते हैं और इसको हम पतला बेलेंगे।
तो इसको हमने इस तरीके से पतला, इतना पतला बेल लिया है। तो अब इसमें हम चांदी की बर्फ लगा देते हैं। हाँ, 1 इंच की चौड़ाई इसमें तो बोल। अच्छा, तो इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी और छोटी बनानी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, काजू की कतली में कटिंग हो चुकी है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट हमारी काजू कतली बनके तैयार है। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।